अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी औरंगी टाउन पौने पाँच नंबर पे रुका हुआ हूँ। ये रास्ता अभी थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है इन्होंने। 12 रबी अव्वल का जुलूस जा रहा है, यहाँ से जुलूस गुजर रहा है। ये है पौने पाँच की चौरंगी है आगे, और राइट हैंड पे मेरे थाना है, और लेफ्ट पे जो है ये मस्जिद है मदरसा है। यहाँ से आगे से आप लेफ़्ट लेंगे तो मेट्रो सैनमा आ जाएगा और बनारस का पुल आ जाएगा। तो अब ये जैसे ही गुजरता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। खोल दिया है इन्होंने रास्ता, अब हम चलते हैं आगे। ये मेन पौने पाँच नंबर है औरंगी टाउन। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया है, अब हम आगे जाएंगे तो राइट हैंड पे मेट्रो सैनमा हुआ करता था पहले। आज सारे ही लोग निकले हुए हैं घर से 12 रबीउल अव्वल के खुशी में। ये देखें ये खड्डे, ये देखें कैसे जंप कर रहे हैं। ये खड्डों पर से होते हुए हम ये पुल क्रॉस करेंगे, फिर आगे जो है फ्लाईओवर आ जाएगा। ये है बनारस का फ्लाईओवर। ये इसकी वजह से, इस फ्लाई ओवर की वजह से बड़ा सहूलत हो गया है औरंगी टाउन वालों को, वरना पहले तो नीचे से जाना पड़ता था बनारस से। इतने खड्डे और इतना ट्रैफिक जाम हुआ करता था पहले। शुक्र है कि ये बन गया है, तो काफ़ी मसला किसी हद तक हल हो गया है। आप मेट्रो से आप इस फ्लाई ओवर पर चढ़ें और सीधा अब्दुल्ला कॉलेज उतर जाएँ, बीच में कोई रुकावट नहीं है। अब्दुल्ला कॉलेज हमने क्रॉस कर लिया है, आगे देखते हैं। लेफ्ट पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भी भरवाना है मुझे, तो यहाँ से मैं फिल करवा लेता हूँ पेट्रोल। आज पता नहीं क्यों पेट्रोल पंप पे भी काफ़ी रश देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी रश है लेकिन यहाँ पे कम है। घर के पास मैं डलवाना चाह रहा था लेकिन वहाँ पर रश बहुत था, तो यहाँ से डलवा लेता हूँ मैं। हो गया पेट्रोल, जितना डलवाना था मैंने डलवा लिया। आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ से आज औरंगी टाउन से सफ़र शुरू किया है, और अभी मैं बोर्ड ऑफिस पहुँचा हूँ। ये बोर्ड ऑफिस के करीब ये पेट्रोल पंप है, और अब मेरा सफ़र होगा बोर्ड ऑफिस से। मैं लेफ़्ट लूँगा दिल पसंद के पास से, और वहाँ से फिर सीधा मैं जाऊँगा नॉर्थ कराची की तरफ।
ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे दिल पसंद है, दिल पसंद स्वीट्स। यहाँ से अब सीधा मैं निकलूँगा नॉर्थ कराची की जानिब। ये अभी सामने जो है KDA चौरंगी आ रही थी, पहले चौरंगी हुआ करती थी, अब तो यहाँ पे फ्लाईओवर बन गया। ये भी नॉन स्टॉप कॉरिडोर बन गया पूरा, यहाँ से सुरजानी तक ये फ्लाईओवर पे ले लिया गाड़ी मैंने। काफ़ी सहूलत हो गया है इसकी वजह से, जितने फ्लाईओवर बने हैं शहर में, कराची शहर में, तो काफ़ी सहूलत हो गया यहाँ। आज ये रोड देख रहे हैं आप, काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है आम दिनों में। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी कम है और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। खाली रोड हो ना तो कोई भी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। ये अब हम जो सैफी हॉस्पिटल वाली चौरंगी है उससे हम क्रॉस कर चुके हैं फ्लाईओवर से, और अब ये हैदरी आने वाला है। ये हैदरी क्रॉस करेंगे अभी हम, हैदरी स्टार्ट हो चुका है, हैदरी मार्केट। यहाँ भी देखें आप कितना ट्रैफिक जाम होता है आम दिनों में, लेकिन आज यहाँ भी सुनसान है बिल्कुल सड़कें। ऐसा ही रोड हुआ करे रोजाना तो कितना मज़ा आएगा, आराम से गाड़ी चलाए बंदा बेफिक्र होके। इतना रश होता है इन जगहों पे तो। अब आगे एक और फ्लाईओवर आएगा, ये मेरे राइट हैंड पे जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन बस के लिए सारा ये कॉरिडोर बना है। आगे जो फ्लाईओवर आएगा यहाँ पे चौरंगी हुआ करती थी, 5-star चौरंगी, और इमाम क्लिनिक होता है यहाँ पे, लेकिन हम तो फ्लाईओवर से ऊपर से निकल जाएंगे। ये है 5-star चौरंगी का फ्लाईओवर। अब सारी जो चौरंगियाँ हुआ करती थी पिछले ज़माने में, कुछ अर्से पहले, 2-3 साल 5 साल समझ लें पहले, वो सब ख़त्म हो चुकी है और ये नॉन स्टॉप कॉरिडोर बन चुका है पूरा, कि आपको कहीं भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हर जगह फ्लाईओवर बना दिया गया है इस रोड पे, तो आप समझ लें कि आप नाजाबाद पेट्रोल पम्प से आप जो फ्लाईओवर यूज़ करते हुए आएंगे तो आप न्यू कराची तक आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इससे हम आवाम को काफ़ी सहूलत मिल गई है। और अब तो ये नया जो मेरे राइट पे चल रहा है ग्रीन बस का ये ट्रैक बनाया है, तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी नॉर्थ कराची के आवाम के लिए, नॉर्थ नाजाबाद के आवाम के लिए। अब ये है 2K का आखिरी स्टॉप, पहले हुआ करता था यहाँ पे, अब तो यहाँ से हटा दिया और आगे शिफ्ट कर दिया है उसे। अब जो सरीना की चौरंगी हुआ करती थी, सखी हसन की चौरंगी भी जिसे कहते थे पहले, वो चौरंगी आने वाली है और उस पर भी हम फ्लाईओवर यूज़ करेंगे। वहाँ पे फ्लाईओवर बन चुका है, ये फ्लाईओवर क्रॉस करके हम फिर शादमान की तरफ उतरेंगे। आप देख सकते हैं कि रोड काफ़ी खाली खाली सा है, ट्रैफिक इतना आम दिनों में जितना होता है उतना नहीं है। ये दोनों तरफ रोड के दोनों जानिब साइड पे जो है शादी हॉल्स बने हुए हैं। और ये अब आने वाला है ये सखी हसन का फ्लाईओवर,
इस पे हम आ गए हैं। ये राइट हैंड पे जो बिल्डिंग दिख रही थी आपको अभी, ये है सरीना टावर, मोबाइल मार्केट है ये। यहाँ हर तरह का मोबाइल आपको मिल जाएगा। ये चौरंगी क्रॉस हो चुकी है, फ्लाईओवर से अब हम नीचे उतरेंगे और सामने फिर नागन की तरफ हमारा सफ़र रहेगा। आज का सफ़र बस हम यहाँ पर ही इख्तिताम करेंगे। ये शादमान है, शादमान से आगे फिर नागन चौरंगी आ जाएगा। तो बस नागन तक ही हम चलते हैं, फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कराची एक्सप्लोर के नाम से मैं एक सेशन शुरू करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें मैं आपको कराची का हर इलाका वीडियो बना के दिखाऊँगा। चलिए ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ मैं। सामने नागन चौरंगी आने वाली है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।